न्यू एपिसोड ऑफ दुबई सीरीज। मैं अभी हूँ BMCC मेट्रो में और मैं अभी एक नया लोकेशन के लिए निकली हूँ। तो यहाँ से मुझे लेना है ट्राम और ये जो लोकेशन है ना, ये भी बहुत ही वेल नोन लोकेशन है जहाँ पे मैं जा रही हूँ। आज हम जा रहे हैं पाम जुमेरा व्यू पॉइंट। बहुत ही सुंदर लोकेशन है एंड उसके आसपास का भी जो एरिया है ना, वो भी बहुत बहुत सुंदर सा एरिया है। वो कहाँ पे है ट्रेन? ओके, सीधा जाने से ट्रेन, राइट जाने से ट्रैम। लेट्स गो राइट। चलो लिफ्ट ले आ जाए, थक चुकी हूँ, चल चल के लिफ्ट लेंगे। और यहाँ पे ना, मतलब लोगों के कंफर्ट को देखते हुए ना, बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोगों का कंफर्ट बहुत देखा जाता है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो ना, वो लिफ्ट हमेशा अवेलेबल होता है, नहीं तो एस्केलेटर होता है। नॉर्मल फुट ब्रिज जो होता है, उधर भी आप चढ़ोगे उधर भी एस्केलेटर होता है, लिफ्ट होता है। प्लस क्योंकि यहाँ का बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप अगर लंबा टाइम कहीं पर जा रहे हो तो थोड़ा सा इसी में बैठ लो फिर चलो, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। मैं भी एक्चुअली ऐसे ही ट्रैवल कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक जाने से 15-20 मिनट कोई एसी एरिया में रह जाती हूँ, फिर चलना स्टार्ट करती हूँ। अभी एक्चुअली मैं ट्रैम एरिया में पहुँच गई हूँ। मैं अभी फिलहाल ट्रैम के लिए वेट कर रही हूँ। सो अभी ट्रैम आएगी, मैं जाऊँगी। तो ये मैं अभी ट्रैम में बैठी हूँ और यहाँ से ना बाहर का जो नज़ारा होता है दोनों साइड का, वो बहुत ही लाजवाब होता है। और आपको जो ऊँची ऊँची बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, वो अलग माना याद आएगा। और ये जो मैं बैठी जहाँ से, वहाँ से 5 स्टॉपेज है। मुझे जो करना है वो है पाम जुमेरा स्टॉपेज। तो वो यहाँ से मैं अभी ट्रैम में जा रही हूँ। तो ट्रैम मतलब ये ट्रैम, वो हमारे उधर वाला कोलकाता वाला ट्रैम वाला फीलिंग तो नहीं आएगा। उसका भी एक इज्जत करना चाहिए। वो भी बहुत एंटिक हो गया है, मतलब हाँ एक हम लोगों का पुराना कल्चर है। लेकिन ये सब जो ट्रैम्स होता है ना, हाईटेक ट्रैम होता है, ऐसे वाला ट्रैम मेरा लास्ट जो मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल था वो था 2019 नवंबर में जर्मनी। उसके बाद से कोरोना के चलते मैं कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर पाई थी इंटरनेशनल। तो ये कोरोना के बाद मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रैवल है। सो लेट्स होप बहुत अच्छा जाए और मैं सेफली घर पहुँचूँ। हिसाब करोगे ना, तो मैं जो हिसाब लगा रही हूँ वो है प्राइस इनटू 20 रुपीज़। तो 20 पॉइंट समथिंग है, इतना कौन हिसाब करता है। तो रैंडम है कि प्राइस इनटू 20, तो ये लगा मुझे 3 दिरहम मतलब 60 रुपीज़। तो ठीक है, चलेगा, यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव तो चलता ही है। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने डेस्टिनेशन, आई मीन नॉट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तक जाने के लिए बीच वाला डेस्टिनेशन। ये है पाम जुमेरा ट्रैम स्टेशन। तो मैं यहाँ पे उतर के अभी नीचे जाने वाली हूँ। नीचे या आगे या पीछे, गूगल मैप में थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं भैया। यहाँ पे मैप ही सहारा, भरोसा, क्या होता है, सब कुछ यही है यहाँ पे। और आप जब आ रहे हो ना, अपना जो सिम कार्ड है इंडियन का, उसमें एक इंटरनेशनल पैक डाल के लाओ, या फिर आपको अगर ठीक लगता है तो यहाँ का सिम लेके यहाँ का नेट पैक भी डाल के यूज़ कर सकते हो। बट इंटरनेट कनेक्शन होना फ़ोन में बहुत ज़रूरी है। अगर वो भी नहीं कर रहे हो, और एक उपाय ये है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वो ऑप्शन चूज़ करना कि उनके पास वाईफाई हो। क्योंकि मैं भी जब बुकिंग कर रही थी, मैं भी अपना वही ऑप्शन देख के बुकिंग की हूँ। चलो लिफ्ट में चलते हैं। और मैं थोड़ा सा, ये जो लिफ्ट है
ये जाएगी मोनोरेल के ओर और मुझे नहीं पता आप कितने जन देखे हो या बैठे हो, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा मोनोरेल का, मैं कभी बैठी नहीं हूँ। सो लेट्स होप बहुत अच्छा लगे मेरे को और आपको भी बहुत अच्छा लगे। तो मैं थोड़ा सा मैप वगैरह देख लेती हूँ, लिफ्ट में चढ़ती हूँ, फिर आपको दोबारा से। ये रही मेरी टिकट्स। तो ये मैंने जो टिकट लिया है ना, बहुत वैरायटी का टिकट था, तो मैंने ये जो लिया है ये हर एक स्टॉपेज में, मतलब आप जैसे ही यहाँ पे पाम जुमेरा से मोनोरेल में स्टार्ट करते हो अटलांटिस तक ना, 3 से 4 जगह पे आप उतर सकते हो। तो मैं पहले सोच के आई थी कि मैं व्यू पॉइंट तक जाऊँगी, बट अभी मैंने थोड़ा सा इरादा बदल दिया है, मैंने ले लिया है पूरा, मतलब सब पॉइंट तक जाने का टिकट। आप अगर अलग अलग करके लोगे तो इसका प्राइस ज़्यादा आएगा। ये मुझे पड़ा पर पर्सन 35 दिरहम जाना एंड आना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी कोई भी फेरी ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो यहाँ पे प्राइवेटली ऐसे, तो आप पहले उनका टू एंड फ्रो टिकट का ही पूछना, क्योंकि वो लोग बहुत जगह पे बताते नहीं है, सिर्फ आपको जो प्राइस बोलेंगे वो बोलेंगे जाने का प्राइस है, आने का प्राइस फिर बोलेंगे नहीं, आप फिर वहाँ पे जाके फिर से आपको टिकट लेना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा पड़ता है। तो चलो अभी ये स्कैन करके अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, ये भी मेरा भी फर्स्ट टाइम है मोनो रेल में। सो लेट्स गो। मतलब क्या बोलते हैं, मॉडल है पूरा पाम जुमेरा एरिया का, तो कैसे कहाँ तक मोनोरेल जाएगी, वहाँ पे कहाँ से क्या है, तो आप देखे होगे ना पाम जुमेरा में ऐसे करके सीधा जाती है, फिर वो पाम ट्री की तरह ऐसे 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 लीव्स की तरह निकल के रहती है, तो वैसे ही ये पूरा है एंड सब जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं ये जर्नी स्टार्ट करती हूँ। हालत में वो मेरा जगह छोड़ना नहीं चाह रही थी, सब मेरे को ऐसे घूर रहे थे कि मैं वहीं पे खड़े होकर चबर चबर हो रही हूँ, किसी को फोटो उठा मतलब फोटो खींचने के लिए भी नहीं दे रही थी। देन फाइनली एक जन पूछे तो मैं थोड़ा सा नीचे ऐसे बेंड हो गया, मैं अपना ब्लॉगिंग की एंड वो अपना वीडियोज़ वगैरह निकाल रहे थे, तो ब्लॉगिंग करने के चलते ना थोड़ा सा बेशरम भी होना पड़ता है, जहाँ पर सब कोई चुप बैठे होंगे ना आप वहाँ पर बकबक कर रहे होते हो। तो ये आप जो देख रहे हो ना, ये मेरे पीछे ये है नखील मॉल, और जो का जो स्ट्रक्चर है ना ये पूरा बना हुआ है। कैसे निकले
अलग सा ही दुनिया हो गया। मतलब मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं मोनोरेल में आने के बाद ऐसे कोई जगह पे आके निकलूंगी। मतलब क्या मस्त मॉल है, बहुत बहुत ही सुंदर सा मॉल है ये, और यहाँ से ही ऊपर मुझे जाना है व्यू पॉइंट के लिए। जैसे ही ऊपर ना मॉल से मैं एंट्री की, क्या नज़ारा है, और यहाँ का जो मतलब कल्चर है ना, इतना हाई फाई डिज़ाइन से बना हुआ है और चीज़ें इतना यूनिक लग रहा है ना, आप कहीं पे भी नज़ारा घुमा लो वो मतलब कुछ अलग ही दिखता है। तो यहाँ से फिर और एक पूरा हाइट में जाने के लिए है। आप ये जो कहाँ गया, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये इतना ऊपर मैं जाने वाली हूँ इसी बिल्डिंग में, तो इसके लिए लेकिन टिकट लगती है। बट आई डोंट नो इसका कितना प्राइस है, अभी जाके मैं पूछने वाली हूँ इसका कितना प्राइस एंड ऑल और टाइमिंग वगैरह, देन मैं आपको भी घुमाने के लिए लेके चलूँगी। दिरम, तो आना जाना मेरा था 35, बट ये हो गया 100। ये 100 दिरम पर पर्सन है, ये पूरा टॉप पे लेके जाएगा, टॉप पे जाके पूरा ऐसे ऐसे वाला जो व्यू है ना वो मुझे देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो टिकट है ये 100 दिरम मतलब कितना हो गया, लगभग इंडियन करेंसी में 2000 रुपीज़। ठीक है, कोई बात नहीं, आए हैं इतना दूर, इतना खर्च हो रहा है तो ये भी खर्च सही। जैसे आप फुट स्टेप रखते हो ना, आप देख पा रहे थे वो कैसे आइलैंड सब बन बन के जा रहा था, और वो मतलब सब कोई वो गेम खेल रहे थे। और जैसे आप उसके बाद देखे, एक उनका पूरा हिस्ट्री दिखाया गया कि कैसे ये पाम जुमेरा जो है आइलैंड वो बना एंड ऑल, मैं ना गूज़बम्स आ रहे थे वो देखते हुए, एंड इतना एक्साइटिंग। मैं 100 दिरहम देने के बाद मैं नहीं सोची थी कि इतना हाईटेक कुछ मेरे साथ होगा। वो एक लेडी है जो सबको असिस्ट करके लेके जा रही है, तो चलो जल्दी से, क्योंकि बहुत फास्ट चीज़ें हो रहे हैं मेरे साथ, तो मैं भी इतना फ्रीक्वेंटली बोल के समझा नहीं पा रही हूँ। लेट्स गो एंड कुछ मिस ना हो जाए ताकि मेरे से। ऐसा कोई जगह पे हूँ, मतलब लिफ्ट तक नहीं छोड़े थे टेक्नोलॉजी को, मतलब वो करने के लिए, और मैं अभी हूँ 52
हाँ 52nd वाला फ्लोर में, और यहाँ से जो व्यू है ना, और मैं जो खड़ी हूँ पूरा ऐसे कांच के एक जगह पे खड़ी हूँ, आप देख सकते हो, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड नाउ। और ये ऐसे करके पूरे रेलिंग सा बना हुआ है, और बीच बीच में कांच का ही स्टेयर्स है, मतलब कोई भी आई ब्लॉकेज नहीं होने वाला है, हर चीज़ कांच है यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। ये है यहाँ का सबसे बेस्ट नज़ारा, यहाँ से ना पूरा पीछे अटलांटिस दिख रहा है, और ये पूरा लाइन लगा हुआ है फ़ोटोज़ निकालने के लिए। और ये जो व्यू है ना, इसके जो मतलब ऐसे करके जो लीव्स टाइप का, पाम टाइप, पाम लीव्स का जो डिज़ाइन हुआ है ना, उसमें छोटा छोटा, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा एक्चुअली, बड़ा बड़ा विलाज है, रहने के लिए जगह है, प्लस उनका ना हर विला के साइड से ना यॉट का पार्किंग हो रखा है सामने की ओर, ऐसे मैं देख रही हूँ, प्लस पीछे तक पूरा विलाज एंड लोग, मतलब आप इमेजिन कीजिए जस्ट कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनका एक्चुअल में यहाँ पे घर है, क्या क्या खुश नसीब लोग होंगे। और हर एक के घर के सामने है बीच, तो वो मतलब ऐसा लगेगा कि वो डेली कोई प्राइवेट बीच पे अपना मतलब रह रहे हैं। हम लोग सिर्फ प्राइवेट बीच वाला होटल में जाके अपना एंजॉय करते हैं भैया, बट इनका तो घर ही प्राइवेट बीच पे है। और इस तरफ से अभी मुझे दिख रहा है बुर्ज अल अरब, जो कि यहाँ पे 7-star होटल है। आई डोंट नो उसका पर नाइट प्राइस कितना होगा, लेकिन है बहुत बड़ा। मैं जब से दुबई आई हूँ, मैं कहीं पे भी जाऊँ, वो मुझे पक्का से दिख जाता है। और ये तो अभी जस्ट शुरुआत है, आगे चल के और भी मुझे बहुत जगह पे जाना है, बहुत घूमना है। तो आपने अगर नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए मेरे इंस्टाग्राम में, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके फॉलो कर सकते हो। और हाँ, अगर आप यूट्यूब में सब्सक्राइब कर रहे हो तो डिंग डिंग वाला बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलो अगर वो सब कर लियो तो अभी चलो घूमते हैं। और सनसेट का टाइम हो गया है, आप देख सकते हो पीछे से सनसेट हो रहा है। तो ये सनसेट के टाइम में ना यहाँ पे प्राइस और भी बढ़ जाता है, बिकॉज हम जब आए थे वो था 3:30 बजे, तो तब यहाँ का प्राइस था 100 dirham, बट वो सनसेट के टाइम में ना, आप जैसे ही लेट इवनिंग आते हो 5 के बाद, तो वो सनसेट के टाइम में इसका पर पर्सन 150 dirham हो जाता है। बट आप एक बार 3 बजे से पहले, मतलब 5 बजे से पहले अगर आ जाते हो ना, तो वो आप कितना भी टाइम रह सकते हो वही 100 dirham में। तो थोड़ा सा इंडियन वाला दिमाग चलाओगे ना, तो आप पक्का से 3:30 बजे, मतलब 5 बजे से पहले आ जाओ 100 dirham में, उसके बाद सनसेट देख के जाओ। ये होता है हम लोग का इंडियन वाला दिमाग, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन भैया सस्ते में लिपट भी जाता है चीज़ें। और ये सब जो ना देखने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे दूरबीन भी लगा हुआ है, तो वो सब आप बाइनोकुलर से भी ये सब चीज़ें देख सकते हो। तो ये था द व्यू फ्रॉम जुमेरा से, मैं इसके आगे जाने वाली हूँ अटलांटिस बिग, बट क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मुझे ये वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा। सो इसके बाद वाला वीडियो में मैं आपको अटलांटिस में मिलूंगी, जो कि यहाँ से अटलांटिस का सफ़र होगा, वहाँ का टूर होगा, तो वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो सी यू अगेन विद अ न्यू एपिसोड विद अ न्यू वीडियो इन अटलांटिस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।